समाजवादी पार्टी और जो उनके पिताजी थे मुलायम सिंह यादव, इन्होंने तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पाला पोसा था। योगी राज में एनकाउंटर हो रहे हैं? हाँ, बढ़िया हो रहे हैं। और क्या, योगी बाबा जी हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बाबा का तो डिसीजन रहता नो जेल नो बेल, अगर कानून से खिलवाड़ किया तो सीधा मिट्टी में मेल। तो मिट्टी में मेल कर दिया है अपराधियों का। ये सब सिर्फ ना दंगा भड़काने वाले नेता है। ओबीसी क्या है, वो चाहता कि मुस्लिम उसको वोट बैंक बने, मुस्लिम उसके गुलाम रहे। और सारे लोग तो कह रहे फेक है। अरे क्यों फेक है, ऐसे तो आपका वो क्या नाम है विकास दुबे भी फेक है। हाँ। वो भी कहीं और होगा, फिर ऐसा थोड़ी होता है। ओबीसी जी कह रहे हैं मजहब से जोड़ दिया ओबीसी से। अरे वो तो खैर, वो तो पूछो ना आगे। ओबीसी को आप ओबीसी जी क्यों बोल रहे हैं, आप मेरे को ये बताइए किस बात के वो जी जी है, किस बात के जी है वो? उन्होंने कोई ऐसा देश के लिए जनता के लिए काम करा है जो आप उनको रिस्पेक्ट देंगे? वो तो नरक के लायक है। आप किस हर पे उनको जी कह रहे हैं? जी बोलना है तो योगी आदित्यनाथ जी को बोलिए, मोदी जी को बोलिए, अमित शाह को बोलिए, राजनाथ सिंह को बोलिए, जेपी नड्डा को बोलिए, ओम बिरला को बोलिए, प्रदीप धनखड़ को बोलिए, द्रौपदी मुर्मू को बोलिए। आप उसी के पीछे जी 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 लगाई जा रही, उसी वजह से तो वो सर पे चढ़ रहा है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। सभी का स्वागत है। अतीक अहमद का बेटा यानी कि असद, उसका आज यूपी के एससीएफ टीम ने एनकाउंटर कर दिया है। और जिस तरीके से आज पूरा देश भर सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात कर रहा है, वो है असद के एनकाउंटर के बारे में। तो आज हम दिल्ली के सड़कों पर हैं, लोगों से जुड़ेंगे कि आखिरकार असद के एनकाउंटर के बारे में दिल्ली की जनता क्या सोचती है, उनकी अपनी निजी राय क्या है। क्योंकि काफी समय से जो असद है वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, और योगी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने एक वादा किया था कि जितने भी माफिया हैं उनको वो सबक सिखा कर रहेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। और आज कहीं ना कहीं एक के बाद एक जो माफिया हैं वो मिट्टी में मिलते नजर आ रहे हैं। और इस बात का जीता जागता सबूत खुद अतीक अहमद हैं। उसने खुद ये कबूला कि मेरा तो सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है और अब हमें सिर्फ रगड़ा जा रहा है। ऐसे में अब दिल्ली की जनता से बातचीत करेंगे और उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एएस रावत है। एएस रावत, हाँ जी। रावत जी, सबसे पहला सवाल कि आज असद का एनकाउंटर हो गया है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना ही चाहिए मैम। देखिए, ये लोग क्या दहशत का माहौल पैदा करते हैं। और आपने देखा होगा कि अतीत जो इनके पापा हैं वो, उन्होंने भी ऐसे ही करा, उन्होंने भी देश को मतलब उत्तर प्रदेश की जो वो थी ना उसको अस्तित्व को ही खत्म कर दिया था। एक गुंडा राज की प्रवृत्ति वहाँ उत्तर प्रदेश में, एक गुंडा राज प्रवृत्ति पैदा हो गई थी और सबके मन में एक डर और भय पैदा हो रहा था। आप अतीक अहमद की बात कर लें या मुख्तार अंसारी की बात कर लें, ये लोगों ने उत्तर प्रदेश को ऐसा प्रदेश बना दिया था कि कोई भी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए वहाँ राजी नहीं था। क्यों? क्योंकि दहशत थी, सबको डर था कि अगर कुछ भी करते हैं तो कहीं लूट करने जाएं, आप हफ्ता ना मांग लें। तो कहने का मतलब इन लोगों की वजह से उत्तर प्रदेश गर्क में जा रहा था। आज जो योगी जी ने करा है वो बहुत ही अच्छा करा है। कहने का मतलब यही है कि अगर हम लोग न्याय व्यवस्था के ऊपर इसी तरह से वो करते रहे कि हाँ यार 10 साल बाद न्याय मिलेगा, 12 साल बाद न्याय मिलेगा, 20 साल लग जाएंगे न्याय मिलते मिलते, तो न्याय व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। तब तक तो पता चलता उसकी जगह में वो तो मर गया जज, दूसरा जज आ गया, या गवाह मर गए, गवाह को ढूंढने की वो प्रयास चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, फिर उनको बेच दिया जाता, वो अपनी क्या होते हैं कि भैया किसी ने उसको दिया, मुझे जवान बंद कर दी। तो कहने का मतलब ये ही है, ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए और जो न्याय व्यवस्था के अनुसार सही है उसको करना चाहिए। मैं सर, जब सत्ता में योगी आए थे तब उन्होंने एक बात कही थी कि मिट्टी में मिलाकर रख दूंगा, क्या समझ रहे हैं आज वो सच होती दिखाई दे? बिल्कुल, आपने ये देखा होगा, उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, और वो अतीक ने बोला भी है कि मेरे को मिट्टी में तो मिला दिया, आप रगड़े जा रहे हो आप। तो रगड़ने का मतलब क्या है कि ऐसे लोगों का अगर रगड़ेंगे नहीं ना, ऐसे लोग अगर रगड़े नहीं जाएंगे ना मैम, तो क्या होगा, और गुंडा राज पैदा होगा और दहशत लोगों के अंदर पैदा होगी। तो जैसे जैसे अतीक का ये खत्म होता जाएगा ना, साम्राज्य जो इकट्ठा कर रखा था उन्होंने, ये साम्राज्य खत्म हो जाएगा ना, तो यूपी में शांति और अमन का राज हो जाएगा। और शांति अमन का राज होने से उत्तर प्रदेश विकास की ओर जाएगा। विकास होना बहुत जरूरी है। क्या लगता है सर, माफियाओं में अब एक खौफ देखने को मिलेगा? बिल्कुल, एनकाउंटर है जो बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। बिल्कुल, ये खौफ ही पैदा करने के लिए योगी जी ने कहा, संसद में विधानसभा में योगी जी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, और वो करके भी दिखाया। अतीक के मन में विपक्ष जो है वो लगातार ये बात कह रहा है कि झूठे एनकाउंटर हैं ये।
ये झूठे इनकाउंटर नहीं है मैम, ये सच्चे इनकाउंटर है। देखिए अतीक के मन में अगर वहाँ से वो गुजरात से चले तो यहाँ तक आने में जब तक उनके सामने मीडिया वाले नहीं आ जाते थे तो उनके मन में एक भय भय का माहौल पैदा हो रखा था कि कहीं मेरे को मेरी गाड़ी भी ना पलट जाए और मेरा इनकाउंटर ना हो जाए। तो कहने का मतलब ये दहशत होनी चाहिए। देखिए अगर सरकार है और सरकार का डर ही नहीं है तो कोई भी कुछ भी करता रहेगा। आज देखिए ना, आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं हो या कोई भी आम नागरिक हो, सब अपना निर्भय होकर चल रहे हैं। नहीं तो क्या होता था पता जी, जहाँ से यूपी की सड़कें शुरू होती थी वहाँ पता चलता है हाँ यार खड्डे आ गए, अब यूपी की सड़कें शुरू हो गई है, अब दहशत आ गई, गुंडा राज शुरू हो गया। ये गुंडा राज खत्म होना चाहिए। देखिए दूसरे तरफ ओवैसी जी इसको कहीं ना कहीं मजहब से भी जोड़ते दिखाई दे रहे हैं। देखिए ओवैसी साहब ने अपने सामने ही उनको अतीक के बेटे को अपने साथ में लाए तो क्या उन्होंने खड़ी स्टेज पे बोला कि आप जो दीवार जो वो ढह रहे हो ना वही दीवारें आपको खड़ी करनी पड़ेगी। तो देखिए ना कितनी उनके अंदर कितना निर्भयता थी। उनके पता है कि सारे लोग उनके साथ में मिले बड़े में, हाँ। कोई कुछ नहीं कर सकता उनको, हाँ। पुलिस वाले भी सब मिले। तो कहने का मतलब जब ये डर भय पैदा होगा, और वो डर और भय कब पैदा होता है, जब आपके साथ में एक्शन होगा। जब आपके साथ में एक्शन होगा तो आपके अंदर डर भय अपने आप ही पैदा होगा। तो प्रशासन का डंडा जरूर चलना चाहिए और जायज लोगों पर चलना चाहिए, नाजायज नहीं चलना चाहिए। अतीक अहमद के बेटे असद का सर आज एनकाउंटर कर दिया गया है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहें? देखिए जो कानून के दायरे में है तो प्रशासन ने उनको चेतावनी दी थी और एक महीने से वो बच्चा पता नहीं क्यों नहीं अपने आपका सिलेंडर करा। और जब उनके पिताजी सिलेंडर कर चुके थे और उनकी कोर्ट में पेश हुए, कल आप चैनल के माध्यम से पता लग रहा था कि वो कह रहे थे अतीक अहमद जी की हमारे परिवार को रगड़ा जा रहा है, तो उन्होंने सोच के अपने आप को सरेंडर कर देते थे। और उन्होंने जो प्रशासन पे दूसरी कार्रवाई की तो उसके साथ इनकाउंटर होना नाज भी था। जब खुली छूट मिली है, उसको पता है कि भी योगी प्रशासन ने खुली छूट दी हुई है, चाहे तो जेल नहीं तो इनकाउंटर, तो क्यों नहीं अपने आपको जेल में सरेंडर किया, कानून के दायरे में क्यों नहीं आए? और जो जहाँ तक इस बात का आइकॉन ना बनाया जाए, किसी मजहब का रंग ना दिया जाए और किसी पार्टी का या मंच ना बने, और जो गलत किया तो उसको गलत हुआ है, जो उसके संज्ञान में आया तो प्रशासन ने लिया है। मान रहे हैं कि जो आज एनकाउंटर हुआ वो सही हुआ? हाँ क्यों नहीं हुआ, कि इसमें जो हम दिल्ली में बैठकर सुनते थे कि अतीक अहमद ने इतना अतिक्रमण किया, 12,000 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने जो बात जो की है, जो इन्होंने दोषियों की तरह किसी गरीब का भला किया है, आप अच्छा काम करते, अच्छे आइकॉन बनते तो दुनिया आपको सैल्यूट करती। आज जब आपने दुष्कर्म किए हैं, आपने आपको दोषी माना है, तो आपके जनता का खुशी है जिनके साथ आपने जिसके बच्चे का आपने इनकाउंटर किया, आपने जो गलत किया अपहरण किया, तो आपको गलत की सजा आपको मिल रही है। पाप का खड़ा कभी ना कभी भरा जाता और फूटता है। तो अतीक अहमद जो आज बाहुबली कहता था, जो कहता था कि मैं बाहुबली मेरे 76 राज है, आज वो खुद अपने आपको ऐसा महसूस करा, अकेलापन महसूस करा, तो उनके दिल में मरने से भी बेखौफ है। और जो बेखौफ है अहमद की जो पत्नी है जिनका नाम शाइस्ता परवीन है, उस पर भी पहले 25,000 का इनाम रखा गया था, लेकिन अब वही 50,000 का इनाम कर दिया गया है, वो भी अभी तक लापता बताई जा रही है, पुलिस उसको भी नहीं पकड़ पा रही है। देखिए वही कहना, प्रशासन का ये जो काम है, प्रशासन आज जैसे ये लड़का भी जो इसका बेटा है वो भी ऐसे घूम रहा था, बताया जाता कहीं है, तो प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है। तो मैं तो उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप प्रशासन के दायरे में आए, जो आपने गलत किया तो उसका स्वीकार है, आपने किया तो आप कोर्ट है, संविधान से देश चलता है, आप अपनी अपील कीजिए, कोर्ट है, सबूत है। अब जो सबूत आपके खिलाफ है तो इसमें प्रशासन का दोष नहीं है, और जो आपने कर्म कांड की है तो उसकी सजा आपको मिले। आपने आप कहते हैं आप देखिए मजे की बात, मजहब का रंग दिया जाता है, विकास दुबे कौन था, किसी हिंदू समाज ने उसके कोई खिलाफ नहीं कहा, जो गलत करेगा गलत है। और जो रेड्डी है उसके खिलाफ भी जो है जो भी गलत कार्य है, और यूपी का विकास ऐसी जो आज चमक दमक है, माननीय योगी जी ने आने से पहले मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो वे काम कर रहे हैं मिट्टी में मिलाने का, किसी से प्रचलित दुश्मनी नहीं है। वो जो आइकॉन बनता है, जो किसी व्यापारी को डराता है, अपहरण करता है, वो क्या ठीक है? आप किसी व्यापारी को उठाकर उससे फरौती मांगे वो ठीक है? आप जो किसी बच्चे को
आप कहीं पे भी मर्डर करवा दोगे, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से मतलब विपक्षी दल आज ऐसे कट रहा, हो सकता हमारे पे भी हमला कर दे, तो ऐसी वो थोड़ी है कि भी आप किसी को आईकॉन बना दे। मैं तो एक चैनल पे देख रहा था कि उन्होंने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस एक जमीन का उस पर भी विवाद चला, तो इन्होंने मनमोहन सिंह ने हस्तक्षेप किया, तो ऐसे बाहुबली आप बना रहे थे क्या? आप आज प्रशासन खुली छूट है, वही प्रशासन है, वही यूपी है जिनके हाथ बंधे हुए थे कि भैंस ढूंढती थी, कुत्ते ढूंढते थे, आज अपराधियों ढूंढ के मार रहे, तो क्या गलत कर रही है? और जो आज अपराध मुक्त हुआ, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं को मिलेगा, वहां पर रोजगार होंगे, तो युवा ऐसे आइकॉन नहीं बन के अपने सभ्य समाज में भागीदार बनेंगे और विकसित हो शिक्षित होंगे तो बेरोजगारी कम होगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में, यूपी से देश बनता है, दिल्ली में संविधान बनता है, और जो वही संविधान आज यूपी में लागू होकर उस सरकार ने दिखाया कि दिल्ली में बैठकर कोई काम नहीं करते, वहाँ के सांसद जो बने हुए हैं, जितने भी सांसद बने हुए हैं, 80 लोकसभा सीट हैं, वो जो सांसद बने और दिल्ली के माननीय योगी जी मंत्रिमंडल काम कर रहे हैं, वो जो काम कर रहा है तो उसमें आपने उसको सहायता करनी चाहिए। राजनीति करने के बहुत ही मन है, आप राजनीति कीजिए, खुले दौर से कीजिए, खुले मन से कीजिए। हम जनता को क्या चाहिए? जो बहन बेटियां असुरक्षित महसूस करती थी, आज सुरक्षित महसूस करती हैं। आज नेवेड़ा तो हमारे नजदीक है, नेवेड़ा में जाने से लोग डरते थे, तो आज जो यूपी का माहौल है गांव-गांव में और शहर में एक अच्छा वातावरण मिल रहा है, युवाओं को अच्छा रोजगार मिलने की संभावना, और जितना डेवलप यूपी का हो सकता है तो आज की 7 साल सरकार करते हैं, तो शुक्राना है सर आपका। भारद्वाज यार की बात है, भारद्वाज जी आज एक पूरा देश एक ही खबर पर बात कर रहा है, जो है अतीक अहमद का बेटा असद का इनकाउंटर हो गया है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए मैडम, ये चीज़ आज से माफिया नहीं था, ये बहुत पुराना माफिया था, और बहुत पुराने माफिया में जो इसने ज़मीन घेरना, किसी के घर का वो करना उठाना, बच्चों का अपहरण करना, ये सारा कुछ इसमें सब कुछ था। और फिर ये भी किसी ने सही बात कही है कि बुरे काम का बुरा नतीजा एक दिन तो आता ही है, और आने के बाद में जो हुआ गवर्नमेंट ने एक इसका संज्ञान के अंदर जो भी बहुत बड़ा मामला था, नहीं तो आज हमारे देश की स्थिति क्या होती वो सबको पता होता। अगर आज योगी जी का हम बहुत बड़े उससे धन्यवाद करेंगे, और जो भी हो रहा है, और यूपी में यूपी जो है एक तरह से जितने भी गुंडागर्दी के जो है वो सब मुक्त बनने वाले हैं। आज लोग बाग खुद जाके भी जो है जेलों के मतलब जो है एक अपहरण अपना मतलब वो कर रहे हैं जाके कि आप हमें जेल के अंदर रखिए, आप हाँ। हम कोई गुंडागर्दी नहीं जाते हाँ। खुद ही मतलब एक तरह से वहाँ पे जाकर सरेंडर कर रहे हैं हाँ। तो कुछ क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से लगातार योगी सरकार के राज में, जब योगी सत्ता में आए थे तब उन्होंने एक बात कही थी कि मिट्टी में मिला दूंगा, और सेम बात अब अतीक अहमद कहता नजर आया कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, मुझे रगड़ा जा रहा है। मैडम उसने भी तो एक बार चैलेंज दिया था ना, एक डिप्टी से एक जो सीएम को चैलेंज देना भी तो मजाक बात नहीं थोड़ा ना था। और जो ये समाजवादी पार्टी और जो बहुजन समाज पार्टी में भी मिले हुए थे, एमपी भी बने, सब कुछ बने, खूब चलती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, वोट भी वन साइड पड़ता था, गुंडागर्दी भी पूरी होती थी, और किसी की जमीन हथियाना, किसी का कुछ करना, अपहरण करना, ये सब कुछ वो था। अभी तो क्या लग रहा है माफियों के अंदर अब एक खौफ आएगा? खौफ आ चुका है। आज देखिए अभी रामनवमी के दिन थे, कभी भी एक भी झगड़ा कहीं भी सुना नहीं होगा आपने भी कि आज यूपी, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एक स्टेट है, और जो भी प्राइम मिनिस्टर का रास्ता वो सभी उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है। तो जब अगर शांति होगी तो वहाँ की जनता भी शांत रहेगी और काम धंधे भी आगे इम्प्रूवमेंट करेंगे आगे। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस एनकाउंटर को जनता अब सही समझ रही है और लोग समर्थन दे रहे हैं, उसी एनकाउंटर को अखिलेश यादव झूठा बताते नजर आ रहे हैं। देखिए जो ये काउंटर से अखिलेश के थे, वो भी समाजवादी पार्टी में थे, पूरा उनका समर्थन था, तो अखिलेश का कोई वो नहीं, अखिलेश का तो बहुत बड़े रोल थे इनके अंदर। जब अगर कोई राजा और प्रजा के अंदर जो अगर राजा किसी का समर्थन करेगा तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी, मैं तो ये भी बात कहूँगा। और बाकी वही मायावती का था, मायावती ने भी क्या कहा, उसने भी अपने जो है उनको निकाल दिया, उसकी जो मिसेस थी, तो उसने भी ये सब बात अच्छी है। और आगे आने वाले टाइम में अब यूपी उत्तर प्रदेश में जो है एक तरह से बहुत ही शांतिपूर्वक स्टेट बन जाएगा पूरी तरीके से। मैंने अभी भी पीछे बोला था कि आज जाओ वहाँ पे इतना बड़ा काम होने जा रहा है, लोगों को रोजगार का साधन, आगे दूसरा जो है अब राम मंदिर, कई तीर्थ यात्रा वाली बात अच्छी हो रही है, इधर आप कहीं भी जाएंगे बहुत बड़ा एक मतलब
एक उत्तर प्रदेश बहुत ही एक नंबर वन स्टेट बनेगा। अच्छा सर, ओवैसी साहब इस मुद्दे को कहीं ना कहीं मजहब से जोड़ रहे हैं। देखिए, आज अगर कोई ये करे तो सब कुछ ठीक है, और दूसरा करे तो मजहब आ जाता है, समझे ना। तो ये भी तो आज देखिए ना, जब पीछे इसका काउंटर हुआ था तो उसमें कभी बोले थे विकास दुबे का, जब कुछ बोले थे, जब तो बोला जो करेगा ऐसे करेगा वही जैसा भी है, तो इन लोगों ने विकास सिंह के फिर बोला था भाई, क्योंकि वो सब कुछ थे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि ये ऐसा हो, क्योंकि ये धर्म की राजनीति है, और हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में जो धर्म की राजनीति चलती आई है सारी वोट बैंक की राजनीति थी। सर एक सवाल है आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रवि हिंदू। रवि हिंदू जी। अच्छा, आज अतीक अहमद का बेटा असद का इनकाउंटर हो गया है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं उससे? देखिए, उसका इनकाउंटर तो होना ही था, क्योंकि वो पुलिस को चकमा दे रहा था जब से उसने मर्डर किया था, उमेश पाल हत्याकांड, जब से वो फरारी काट रहा था। उसे तीन चार जगह पकड़ने की कोशिश की पुलिस, लेकिन पुलिस ने नाकाम रही, लेकिन वो पुलिस को अगर गिरफ्तारी दे देता तो उसके साथ ये नहीं होता। इनकाउंटर कराने के लिए वो खुद जिम्मेदार है अपना, क्योंकि पुलिस को चकमा दे रहा था, और यहाँ तक कि पुलिस को खबर मिली थी कि वो हमला करने वाला है, पुलिस जो काफिला है जो अतीक अहमद को लेके आ रही है नैनी जेल, वो उस पर हमला करने वाला था। उसी प्लान में वो झांसी में छिपा हुआ था, और अपने चाचा अशरफ को भी वो छुड़ाने के चक्कर में वो हमला करता, इसलिए पुलिस ने इनकाउंटर किया, तो वो पुलिस पे हमला कर रहा था, तो पुलिस ने इनकाउंटर किया झांसी में, बहुत अच्छा है। और ऐसे अपराधियों को इनकाउंटर ही करना चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है सर, ये जो एनकाउंटर है, इस एनकाउंटर के बाद जितने भी माफिया जो यूपी में अभी भी अपने हौसलों को बुलंद कर एक के बाद एक बड़े बड़े क्राइम को, अपराध को करते जा रहे हैं, उनके अंदर क्या एक डर आ पाएगा? डर बिल्कुल, अपराधियों को अंदर जब तक डर नहीं रहेगा तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बनेगा। योगी बाबा ने तो जिस दिन आए थे उसी दिन उन्होंने बोल दिया था कि या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या तो अपराध छोड़ दो, नहीं तो आपके लिए दो ही जगह होगी जहां पे कोई जाना नहीं चाहेगा। और बाबा ने तो 2022 के चुनाव में ही बोल दिया था कि मैं मई जून आते आते बहुत शिमला बना देता हूं। तो अभी तो अप्रैल चल रहा है, तो अभी तो नैनीताल बनाया था, झांसी बनाया था, अभी अप्रैल मई जून आएगा तो शिमला भी बनाएंगे इनका। तो बाबा ने तो 2022 के चुनाव में ही बोल दिया था कि अपराधियों के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपना रहे हैं, अगर अपराधी अपराध छोड़ दे या तो उसके लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी या तो सीधा स्वर्ग होगा। स्वर्ग में वो वही पहुंचेगा जो अपराध करने वालों के लिए, सीधा ऊपर ही स्वर्ग मिलेगा, नीचे उसके लिए कोई स्वर्ग नहीं है। तो बाबा जी ने तो अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। आज यूपी में चले जाओ, अपराधियों की औकात नहीं है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर कोई भी उंगली उठा सके, क्योंकि पता है या तो उसके लिए जेल होगी या तो फिर वही होगा राम राम सत्य। तो बाबा का तो डिसीजन रहता नो जेल नो बेल, अगर कानून से खिलवाड़ किया तो सीधा मिट्टी में मेल, तो मिट्टी में मेल कर दिया है अपराधियों का। और बहुत खुशी है हमें कि अपराधियों की ना कोई जाति होता है, ना मत होता है, ना मजहब होता है, अपराधी अपराधी। लेकिन लेकिन ओवैसी तो इसको मजहब से जोड़ते अभी दिखाई दे रहे हैं। ओबीसी को क्या बोला जाए, ओबीसी तो खुद एक क्रिमिनल है। उनका जो भाई है अकबरुद्दीन ओबीसी, उसको पुलिस हिरासत में ले और उसके ऊपर जो कार्रवाई हो सकती है। उसने तो चैलेंज किया था हिंदुस्तान को कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम बता देंगे। 15 मिनट क्या भाई साहब, एक मिनट भी पुलिस हट जाएगी तेरी औकात नहीं है। कि हिंदुस्तान में तू जो अपने बयान देता है, ये सब सिर्फ ना दंगा भड़काने वाले नेता है। ओबीसी क्या है, वो चाहता कि मुस्लिम उसको वोट बैंक बने, मुस्लिम उसके गुलाम रहे, लेकिन मुस्लिम हिंदुस्तान के ऐसे नहीं है। मुस्लिम जानते हैं कि हिंदुस्तान का विकास कौन कर रहा है, हिंदुस्तान के लिए मुस्लिमों के लिए काम कौन कर रहा है। मोदी जी योगी जी ने ऐसा काम किया है उत्तर प्रदेश और देश में कि मुसलमान खुद वोट योगी मोदी को दे रहे हैं आज के टाइम पे। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये इनकाउंटर जो किया गया है बड़ा फेक एनकाउंटर बताया जा रहा है, झूठा एनकाउंटर है। अखिलेश यादव से जाके पूछो एक बार कि जो उसने 2004 में अतीक अहमद को फूलपुर लोकसभा से टिकट दिया था, बताओ उस लोकसभा से टिकट दिया था जहां से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी और जो उनके पिताजी थे मुलायम सिंह यादव, इन्होंने तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पाला पोसा था। अगर मुलायम सिंह जी टिकट नहीं देते तो क्या इतना बड़ा अपराधी बन पाता अतीक अहमद? आज अतीक अहमद पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है उनसे हथियार खरीदता है। तो ये सब मुलायम और सपा की देन है जो इन्होंने अपराधियों को पाला पोसा। अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए
कि ऐसे अपराधियों को उनके पिता ने और उन्होंने संरक्षण दिया। अतीक अहमद तो खुद कहता था जाओ अखिलेश से बोल दो, अखिलेश के पिता से बोल दो मुझे जो करना मैं करूंगा। जिला अधिकारियों को धमका के रखता था, जेलरों को धमका के रखता था, यहाँ तक कि जज को धमकाता था। जज फैसला सुना देने से पहले कांपते थे कि अतीक अहमद कहीं उस पर गोली ना मार दे। अतीक अहमद का एक ऐसा टाइम था 2017 से पहले खौफ था पूरे उत्तर प्रदेश में, आज वो खौफ जीरो हो चुका। अतीक अहमद खुद कह रहा है कि हम तो मिट्टी में मिल गए हैं, अब तो बाबा रगड़ रहे हैं, और बाबा रगड़ते रगड़ते ना एकदम रगड़ के इन्हें मिट्टी में मिला देंगे और इनकी कोई औकात नहीं है। जब तक बाबा रहेंगे उत्तर प्रदेश में कानून का राज रहेगा। आपको पता है सर असद का इनकाउंटर कर दिया गया है? मुझे सुनकर बड़ा दुख लगा। दुख लगा? आपको दुख क्यों हुआ? दुख ऐसा लगा उसको इतनी आसान मौत मार दिया। अच्छा, उसे तो जैसे सीएम योगी ने बाकी पत्थर जैसे पत्थरबाज होकर कैलेंडर लगा के चौराहे पे फोटो नहीं लगा दिया था। थोड़ा सा तड़पा के भगा के चाह रहे हैं कि असद को और तड़पाना चाहिए था। अचानक से मौत नहीं देनी चाहिए। इतनी आसान मौत उसको नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन जब अतीक अहमद को ये बात पता चली पेशी के दौरान कोर्ट में, वो तो फूट फूट कर रो रहा था। ये भी खबरें आ रही कि बेहोश भी हो गया अंदर वो। हाँ, अभी तो बेहोश क्या है, उसे तो होश में ही, वो बेचारा होश में ही नहीं आएगा। जब अतीक अहमद को गाड़ी से इस जेल से दूसरी जेल में जब ले जाया जा रहा था गाड़ी से, तो पूरा मीडिया उसको फॉलो कर रहा था। उसका सुलभ शौचालय तक का वो बेचारा सुसु कर रहा है, वो भी उसको कि बस अब गोली लगने वाली है। जैसी गाड़ी में चढ़ेगा अब गोली लगने वाली है, डर अंदर से। हाँ, एक डर था। और मैं भी सारा काम धाम छोड़ के वो पूरे मैंने उसकी जर्नी देखी। अच्छा। कि कैसे अतीक अहमद की पिकनिक का जो रास्ता मार्ग जो इन्होंने बनाया है। हाँ। और पूरा सारा देश का बड़ा इंटरनेशनल सारा मीडिया सब उसको फॉलो कर रहा है कि अब गोली लगेगी, अब गोली लगेगी, अब गोली लगेगी। क्या अंदर वाले मार देंगे, क्या बाहर वाले मार देंगे, उसको गोली वोली नहीं मारी। पर जैसे ही उसका बेटा मारा गया ना, तो मुझे इस बात का कन्फर्म हुआ कि जब तक ये पूरा परिवार सीएम योगी इनके पूरे परिवार का एनकाउंटर नहीं कर देंगे ना, अतीक अहमद को दिखाएंगे कि जैसे तुमने हजारों परिवारों को मारा है, उस परिवार में मृत्यु क्या 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 जो बड़े बुजुर्ग घर में रहते हैं, कैसे जब बच्चों की मौत होती है कैसे आजियाने उजड़ता है, और उसके पीड़ा क्या होती है, उसका दर्द क्या होता है, ये अतीक अहमद को जब तक महसूस नहीं होगा तब तक अतीक अहमद का भी एनकाउंटर नहीं होगा। हाँ। पूरा परिवार जब खत्म कर दिया जाएगा, आखिरी गोली अतीक अहमद तुम्हारे माथे में भी उतरेगी। क्या लगता है अतीक अहमद को क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा तो यही है बस, मैं तो उम्मीद करूंगा कि थोड़ा तड़पा के इसको मौत होनी चाहिए। ये ये कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा तगड़ा बहुत बड़ा अपराधी है। और मैं आपका थोड़ा ये जो जितने भी विपक्षी दल जितने भी है जो इन्होंने जो हवा बना लिया है कि पुलिस ऐसा अखिलेश यादव जी कह रही है फेक है, ये फेक एनकाउंटर है, मैं तो बिल्कुल अखिलेश यादव के समर्थन में ये कहना चाहूँगा ये बिल्कुल फेक एनकाउंटर है। अगली बार जब अतीक अहमद का कोई भी गुर्गा पेला जाए तो मुलायम ये अखिलेश यादव को अपनी गाड़ी में बिठाएं और इनके सामने गोली मारनी चाहिए, तब शायद अखिलेश यादव को पता चलेगा कि पुलिस जो तुम्हारे जमाने में पुलिस नहीं थी, आज पुलिस भौकाल हो गई है। क्या लगता है आने वाले समय में माफियाओं के अंदर यूपी में एक डर रहेगा? वो तो है, रामराज्य तो ये स्थापित हो चुका है, असली रामराज्य कैसे कहेंगे। हाँ। यही तो रामराज्य है। हाँ। आज जेल में जितने भी अपराधी हैं। हाँ। वो जेल आप गेट जेल के दरवाजे खोल भी दो तो भी अपराधी आज भागने को तैयार नहीं है। हाँ। कहता है जेल ही सबसे बढ़िया जगह है, मुझे कहीं मत ले जाना, कहीं पुलिस मार ना दे। हाँ। ये हालात है अब तो, ये असली रामराज्य यही है। सीएम योगी ने सीधा सीधा संदेश दे रखा था कि मैं अगर एक हाथ में शस्त्र ये गीता शस्त्र मैंने किताब ले रखी है तो दूसरे हाथ में मेरा अस्त्र भी है, तो मेरे अस्त्र को भी देखना, भाला भी लेकर रखा हुआ उन्होंने। और ये जो ओवैसी बयान दे रहे हैं कि ये कोर्ट क्यों है, जज क्यों है, मजहब से जोड़ रहे हैं। मजहब तो भैया विकास दुबे भी मारा गया था, वो भी हिंदू है। हाँ। तब तुम्हारे मुंह में क्या खिचड़ी गिर गई थी जो तुम्हें बोला नहीं गया था। हाँ। और दूसरी बात मैं आपको याद दिला दूं, ओवैसी कह रहा है कोर्ट क्यों है, तो भैया ओवैसी महाराज जब अपने भाई को आपने खुला छोड़ रखा था। हाँ। वो कोर्ट के द्वारा छूट के बाहर आ गया। हाँ। तो भारतीय कोर्ट कैसे काम करती है, भारतीय गवाही कैसे काम करती है। और मैं ओवैसी हैदराबाद से ही आते हैं ना, ओवैसी हैदराबाद से ही है। हाँ। तो ओवैसी को मैं उनके ही हैदराबाद का मैं एक हादसा मैं याद दिलवा दूं, जब एक रेपिस्ट को पुलिस एनकाउंटर का मुआयना कराने ले जाती है, पुलिस वहीं एनकाउंटर में उसको गोली मार देती है कि ये भागने की कोशिश कर रहा था और हमने इसको गोली मार दी। कैसे सारे पुलिस के शूरवीरों को वहाँ के लोगों ने, वहाँ की जनता ने फूलमाला बरसा के धन्यवाद दिया था। तो हैदराबाद में जब ऐसा काम हो सकता है, अपराधियों के साथ ऐसे गोली मारी जा सकती है, तो ओवैसी यहाँ धर्म क्यों ढूंढ रहे हैं, अपने राज्य में भी धर्म ढूंढ लें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सर क्या नाम है आपका? अखिलेश मणि नाम है मेरा। अखिलेश मणि, सर आज असद का एनकाउंटर हो गया, कैसे देख रहे हैं आप? ये कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए हुआ है,
असद कितने दिन से फरार चल रहा था, तो इसलिए पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ा। जो सिलेंडर ही नहीं कर रहा था तो पुलिस क्या करे। इसको आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं, इनकाउंटर जरूरी था। जब वो सिलेंडर ही नहीं कर रहा तो क्या करेगी पुलिस। इतने दिन हो गए, 2 महीने का दिन हो गया, अभी वो सामने ही नहीं आया, सिलेंडर नहीं किया, तो पुलिस को इनकाउंटर तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अतीक अहमद जब पेशी हुई उसकी कोर्ट में और उसका भाई अशरफ साथ में था, तो ये फूट फूट कर रोते नजर आए। ये तो जब अपने खुद आतंक फैला रहे थे तब तो रो नहीं रहे थे, तब तो इनको हंसी आ रही थी, लोगों को मार के ये कर देना तो बहुत ज़्यादा ये नहीं था ना इनके लिए, तो इनके लिए तो खेल सा लगता। आज अपने ऊपर अगर जो पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया तो कितना बुरा लगा। इतने कितने परिवारों को उन्होंने उजड़ दिया, कितने परिवार, कितनी बहनों को विधवा बना दिया, बहुत सारी समस्या खड़ी की, तब पुलिस लगी हुई है ना। हाँ। इसमें कोई गलत नहीं, पुलिस का रोल बहुत अच्छा है, पुलिस ने अपना काम किया, कानून अपना काम कर रहा है। हाँ। कानून तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र, जितेंद्र असद का आज एनकाउंटर कर दिया गया है। हाँ जी, क्या पता लगा मुझे, कैसा सही लग रहा है आपको, सही समझ रहे हैं? देखो मैं तो यही कहूँगा कि ये इस तरीके से सरकार को अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। कानून है इनके लिए, हर चीज है, वो किस लिए बनी है, अदालतें बनी हैं, उनको ये काम करना चाहिए। सरकार को इस तरीके से अपनी छवि, ये काम तो एसटीएफ ने किया है, पुलिस ने किया है, सरकार कहाँ कर रही है? सरकार तो सरकार का पूरा हाथ होता है, एसटीएफ ऐसे कभी नहीं, इतने सालों से इतने केस इन पे चल रहे, तब से एसटीएफ ने नहीं किया था। हाँ। अभी क्यों हो रहा है ये? हाँ। योगी राज में। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो एनकाउंटर हुआ है वो कानून, जो एनकाउंटर कानून को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। हाँ जी। लेकिन साफ तौर पर देखा गया कि पुलिस द्वारा ही एनकाउंटर किया जाता है। योगी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने बहुत से वादे किए थे, उसमें से एक बात, आज उनके जो उप मुख्यमंत्री है, हाँ, उनका खुद का ये बयान आया है। हाँ। कि उन्होंने एसटीएफ टीम को बधाई दी है इस चीज़ के लिए। हाँ। तो इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार का हाथ है, सरकार एनकाउंटर करवा रही है इन पे। हाँ। लेकिन जो देश के खिलाफ जाएगा, जो एक के बाद एक बड़े अपराध करते जाएगा, उसमें तो सही है ना कि उनका एनकाउंटर, आप अपनी जुडिशरी में सुधार कीजिए ना। हाँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट लेके आइए। हाँ। जल्दी से जल्दी मुकदमा को निपटाइए और जल्दी से जल्दी सजा दिलाने का प्रावधान कीजिए। लोगों की जिंदगी गुजर जाती है लेकिन कभी न्याय नहीं मिलता उनको। हाँ। तो यही है कि हमारी जुडिशरी को थोड़ा मजबूत करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। हाँ, मतलब आप इस एनकाउंटर को सही नहीं मानते? मैं तो सही नहीं मानता। तो आपके हिसाब से सजा होनी चाहिए थी? हाँ, सजा होनी चाहिए थी। लेकिन एक जो माफिया है उनके अंदर डर कैसे आएगा फिर, अगर सजा ही दे दी गई और सडन एनकाउंटर? अगर माफिया, हमारे देश का कानून तो आप जानते ही हैं। हाँ, तो उन कानूनों में बदलाव लाए ना, जो सख्त जो सजा है उनको सख्त, हाँ, सजा को भी और सख्त करना चाहिए। हाँ। ताकि उनके अंदर और खौफ पैदा हो। हाँ। करने वाला इंसान एक करने से पहले एक एग्जाम्पल सेट हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज मैं लड्डू खाऊंगा, पेड़े खाऊंगा, बाल मिठाई खाऊंगा, गुलाब जामुन खाऊंगा। हाँ। जितनी बहुत मिठाई खाऊंगा। क्यों, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है, और क्या, जैसी करनी वैसी भरनी। योगी राज में एनकाउंटर हो रहे हैं? हाँ, बढ़िया हो रहे हैं, और क्या, योगी बाबा जी हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। अच्छा कर रहे हैं। क्या लगता है, जब वो आए थे सत्ता में तो उन्होंने एक बात कही थी कि मिट्टी में मिला दूंगा। हाँ, मिट्टी में मिला रहे हैं। हाँ। देख रहे हो आप, एक एक करके मिला रहे हैं ना। हाँ। हाँ। माफियाओं में खौफ आ जाएगा? खौफ है, अभी भी बैठे हैं, खौफ हो रहे हैं। खौफ है, आप इतने खुश नजर आ रहे हैं। अरे तभी मार रहा है ना, तभी खुश नजर आ रहा है। अच्छा, अतीक के बेटे की मृत्यु से आप बहुत खुश हैं? बहुत है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं फेक है। अरे क्यों फेक है, ऐसे तो आपका वो क्या नाम है, विकास दुबे भी फेक है। वो भी कहीं और होगा, फिर ऐसा थोड़ी होता है। ओबीसी जी कह रहे हैं मजहब से जोड़ दिया ओबीसी। अरे वो तो खैर, वो तो पूछो ना आगे। ओवैसी को आप ओवैसी जी क्यों बोल रहे हैं, आप मेरे को ये बताइए किस बात के वो जी, जी है। किस बात के जी है वो? अच्छा। उन्होंने कोई ऐसा देश के लिए जनता के लिए काम करा है जो आप उनको रिस्पेक्ट देंगे? वो तो नरक के लायक है। हाँ। आप किस आधार पे उनको जी कह रहे हैं? जी बोलना है तो योगी आदित्यनाथ जी को बोलिए, मोदी जी को बोलिए, अमित शाह को बोलिए, राजनाथ सिंह को बोलिए, जेपी नड्डा को बोलिए, ओम बिरला को बोलिए, प्रदीप धनखड़ को बोलिए, द्रौपदी मुर्मू को बोलिए। आप उसी के पीछे जी 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 लगाई जा रही, उसी वजह से तो वो सर पे चढ़ रहा है। अच्छा। आप उन लोग, आप जाहिल लोगों को रिस्पेक्ट देना आप नहीं, पूरी अगर जनता छोड़ देगी तो उनको सब समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। हाँ। वो लोग अभी हवा में उछल रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि धरती में क्या हो रहा है। हाँ। एक बार उनको नीचे गिराइए, उसके बाद सारा समझ आ जाएगा। हाँ। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ओवैसी
ओवैसी को ओवैसी जी मत बोलिए, उसके नाम के आगे जी लगाना, जैसे वो कहता है ना कि जिहाद करना धर्म है, वैसे ही मैं कहता हूँ कि उसके नाम के आगे जी लगाना हमारे धर्म के खिलाफ। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, आज असद का एनकाउंटर हो गया है, क्या कुछ सोच रहे हैं? बढ़िया ही हुआ, जो बोला था वही किया है। हाँ। बोला था मिट्टी मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया, और क्या। अब लोगों को बोली अतीक जो है वो बहुत रोते बिलखते, और सुनने में ये भी आए बेहोश हो गए थे। बाप तो बाप होता है। हाँ। बुरा तो लगेगा ही। हाँ। पर जो जैसा बीज बोया है वैसा फल तो मिलेगा ही, तो भुगत रहे हैं, अब भुगतेंगे, उनका भी यही होगा। अंदर रहे तो बचे रहेंगे, बाहर रहे तो यही होगा, और क्या होगा। क्या लगता है क्या सजा अतीक को मिलनी चाहिए? सजा भुगत ही रहा है अभी, बस जो जितना सज़ा उसको नहीं मिलनी चाहिए, जिसने उसको बनाया उसको भी मिलनी चाहिए। हाँ। पुलिस का भी इसमें कहीं हाथ है, इतना बड़ा माफिया बनना बिना पुलिस प्रोटेक्शन के, नेता के, तो नहीं। अगर आपको सज़ा देना है तो सबको चैन पकड़ के चलिए। हाँ। अगर आप एक को दे रहे हैं, अतीक को देख रहे हैं, तो अतीक को मत देखिए, उसके पीछे जो पुलिस वाले थे, कितने पुलिस वाले। लगता है हमारी कानून व्यवस्था में ऐसा कुछ है जो सबको चैन में, आप जैसे कह रहे हैं, सज़ा मिल पाए? ऐसा तो पॉसिबल तो नहीं है मैडम, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट, यही हिसाब है। अच्छा, योगी के राज में हम देख रहे हैं माफियाओं का एनकाउंटर हो रहा है, क्या लगता है बाकी राज्यों में भी कुछ ऐसे ही खौफ गैंगस्टरों में बनना चाहिए? बनना चाहिए, बट सरकार सरकार पे डिपेंड करता है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पे डिपेंड करता है। मुख्यमंत्री अगर टाइट है, हर चीज़ काम सही कर रहा है, तो डर बनेगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री लगा हुआ है पोस्टर लगाने में और झूठ बोलने में और फ्री बांटने में, तो फिर तो खौफ नहीं बनता। हाँ। फिर बेइज्जती होती है, फिर मजाक ही बनता है। हाँ। खोल उठता है। मतलब केजरीवाल की बात कर रहे हैं आप? अब वो तो आप समझदार हैं। हाँ। मैडम, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, आप समझदार हैं। केजरीवाल जी काम अच्छा नहीं कर रहे क्या? काम अच्छा कर रहे हैं, आज देखा ना उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने आज पोस्टर लगाए ITO के पास, वी मिस यू मनीष, वी मिस यू मनीष, उस चीज़ के लिए पैसा है, बाकी चीज़ के लिए मनीष जी को तो मिस कर ही रहे हैं शायद, वो इतना मिस कर रहे हैं। मैम देखो, वो भी जब बात आती है डिग्री की तो अपने दिखा देते हैं, मनीष जी को छुपा लेते हैं। हाँ। डिप्लोमा होल्डर हैं, 12th पास हैं। हाँ। उनकी छुपा लेते हैं। अगर इतना है, ये बताइए, बिना किसी बेसिस के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, कोई सरकार किसी पर्सन को 9-9 महीने जेल में रख सकती है क्या? कुछ ना कुछ बेस तो है, कुछ ना कुछ तो है, क्या है वो नहीं पता, पर कुछ ना कुछ तो है। सत्येंद्र जैन केस में भी वही है, मनीष सिसोदिया केस में भी वही है। और अगर इतना ही उनको मिस कर रहे हैं, तो अप फ्रंट बैक लड़ाई कीजिए। जहाँ बात आती है शिक्षा, 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 एनकाउंटर को बहुत सारी जगह पर फेक भी बताया जा रहा है कि फेक एनकाउंटर है ये। मतलब अब गुठली गलती से बो दें या जानबूझ के बोएं, पेड़ अगर आम का आ रहा है तो मतलब नहीं है। हाँ। बस वही चीज़ है। तो ये सुना लोगों की ने अपनी अपनी किस प्रकार राय दी, सबकी अपने अपने ओपिनियन है, कुछ लोग समर्थन करते नजर आए, कहीं कुछ लोग विरोध भी करते दिखाई दिए कि ये फेक एनकाउंटर भी लोगों का कहना है। और कुछ लोगों ने साफ तौर पर कहा कि इतने आसानी से कहीं ना कहीं अतीक का जो बेटा है असद, उसको मौत के घाट नहीं उतारना चाहिए था, तड़पा तड़पा कर उसको मौत देनी चाहिए थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपनी राय जरूर दीजिएगा। योगी के राज में जिस तरीके से माफियाओं का खात्मा किया जा रहा है, ऐसे में क्या आपको भी लगता है कि अलग अलग राज्यों में भी कुछ इसी तरीके से होना चाहिए? वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनको भी कहीं ना कहीं जाग जाना चाहिए, और एक जिस तरीके से योगी काम करते नजर आ रहे हैं उनको भी वैसे ही काम करना चाहिए, ताकि माफियाओं का जो सरगना है वो पनप ना पाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपनी राय जरूर दीजिएगा और देखते रहिए इसी तरीके से उदय भारत न्यूज। नमस्ते, मैं हूँ मोनिका रावन, और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुँचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।